Okay, so the topic that we are taking up today is sign test. Now, sign test is based upon the signs, the positive signs and negative signs, which we are going to assign now. In sign test, we will be studying one sample sign test and two sample sign test. दो तरह के sign test सीखेंगे आप आज. एक तो वो जहाँ पर केवल एक sample दिया हुआ होगा, दूसरा वो जहाँ पर दो sample given होंगे. Like in this case. First one, यहाँ पर केवल एक ही sample है आपके पास, and over here there are two samples, right? तो दोनों ही तरह के questions आज solve करेंगे. ये आप लोगों को जो handouts दिए हुए हैं, उसके अंदर ये illustration number one और illustration number three है. So this is question number one in your handouts, and this particular question is question number three in your handouts. तो open करिएगा sign test. और साइन टेस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर वन और थ्री दोनों को अभी सॉल्व कर रहे हैं. वन, फर्स्ट क्वेश्चन में देयर इज ओनली वन सैंपल, एक ही सैंपल दिया हुआ होगा, तब तो वन सैंपल साइन टेस्ट लगेगा. और जब दो दो सैंपल होंगे, यहां पर आपको डेटा दे रखा है प्रोडक्टिविटी बिफोर और प्रोडक्टिविटी आफ्टर का, तो जब दो सैंपल गिवन होंगे तो आप अप्लाई करेंगे टू सैंपल साइन टेस्ट. बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, पी कैप माइनस पी अंडर रूट ऑफ पी क्यू बाय एन. तो नोट कर लीजिएगा इस फॉर्मूले को, जेड इज इक्वल टू पी कैप. पी कैप का फुल फॉर्म है प्रपोर्शन, प्रपोर्शन ऑफ पॉजिटिव साइन, राइट? पी कैप स्टैंड्स फॉर प्रपोर्शन ऑफ पॉजिटिव साइन. ये निकालेंगे कैसे, जो भी नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस होंगे उनको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ साइंस से, जितने भी निशान दिए होंगे आपको पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, उनको उनके टोटल से डिवाइड करना है, वो तो आएगा पी कैप. पी का फुल फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव. तो हमेशा याद रखिएगा दो ही तरह के साइन यहां पर कंसिडरेशन में है, पॉजिटिव और नेगेटिव. देयर इज नो अदर साइन व्हिच इज इनटू कंसिडरेशन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइन रहेगी हमेशा 1/2. प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला याद रखिएगा फेवरेबल केस, वो पॉजिटिव साइन जो कि एक है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस, दो केस हो सकते हैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइन हर क्वेश्चन में रहेगी 1/2, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी डेटा दे रखा हो, लेकिन साइन टेस्ट के हर क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. ऐसे ही क्यू होता है 1-p, दैट इज 1-1/2 equals to half. Q का ध्यान रखिएगा, और n का मतलब है number of valid signs. जितने भी signs आपने दिए हैं zero को हटाकर, क्योंकि zero का ना तो कोई positive sign होगा और ना ही कोई negative sign होगा, तो zero को हटाकर जितने भी valid sign है positive और negative का total, उसको denote करेंगे आप n से. तो ये तो है सारी terminology जो अब sign test में use होगी. अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन पे ध्यान दीजिएगा जहां पर आपको डेटा दे रखा है, और इस क्वेश्चन ने पैराग्राफ में एच ओ दैट इज नल हाइपोथेसिस दे रखी है, न्यू इट इज इक्वल टू 284. जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द लाइंस दैट आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. लास्ट लाइन इट हैज द हाइपोथेसिस दैट द प्रोफेशनल गोल्फर्स एवरेज न्यू इज इक्वल टू 284, और ऑल्टरनेट दे रखी है न्यू इज लेस देन 284, राइट? तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन के एंड में ही दे रखा है, और इस लेस देन के निशान से ये पता लग रहा है कि ये वाला टेस्ट है वन टेल्ड. अब यहां पर z से डिनोट किया गया है, तो z की दो वैल्यू याद रखिएगा, z की एक तो 5% पर, अगर टू टेल्ड है तो टू टेल्ड वैल्यू होती है हमेशा 1.96, और 5% की वन टेल्ड, वन टेल वैल्यू होती है 1.65. ये छोटी सी चीज और याद रखनी है आपको कि 5% टू टेल कैलकुलेट करना सिखाया जा चुका है, 5% टू टेल पर रहेगी 1.96, और वन टेल पे होती है 1.645 या फिर 1.65. तो ये वैल्यूज यहां पर यूज होंगी. इस क्वेश्चन के एंड में देखिएगा कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है आपको, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, 5% गिवन है आपको. तो 5% का मतलब वन टेल्ड हो गया ये, यानी जो कि यहां पर लेस देन का सिंबल आ रहा है
लेस देन का निशान है तो 110 है और 110 पर आप वैल्यू चेक करेंगे 1.65 लेस ग्रेटर मोर इंक्रीज डिक्रीज जैसा कोई भी टर्म नहीं हो तो आपको हमेशा वैल्यू चेक करनी है 210 पर लेकिन यहां पर क्योंकि लेस देन का निशान आ रहा है दैट मींस यहां पर टेबल वैल्यू चलेगी 110 और 110 पर 5% की वैल्यू रहती है 1.65 खैर देखो आगे की बात है अब यहां स्टार्ट कैसे करेंगे जो वैल्यू दे रखी होगी आपको उस वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देना है 284 दे रखा था तो हर वैल्यू में से 284 को माइनस करिएगा 280 माइनस 284 माइनस 4 होता है लेकिन आपको वैल्यू नहीं लिखनी है आपको केवल साइन असाइन करना है 280 माइनस 284 छोटा है 284 से माइनस साइन लगा 282 इज आल्सो स्मॉलर माइनस साइन प्लेस किया 290 ग्रेटर है 290 बड़ा है 284 से तो यहां पर आ गया प्लस देन माइनस फिर 283 भी स्मॉलर है 283 इज अगेन स्मॉलर 275 इज स्मॉल आल्सो स्मॉलर 284 बराबर है 284 के क्या वैल्यू हो जाएगी 0 282 इज स्मॉलर तो माइनस का निशान 279 इज आल्सो लेस एंड 281 इज आल्सो लेस तो सबसे पहले पी कैप आ जाएगा नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन केवल एक आ रहा है यहां पर और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 11 वैल्यूज थी एक जीरो था जीरो हटा दिया तो निशान गिन लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ वैलिड साइन आ रहे हैं 10 तो P कैप कितना आ जाएगा हमारे पास 0.10 P ये हमेशा रहेगा 1/2 यानी कि 0.50 प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 1/2 मतलब 0.50 हो जाएगा और Q 1 - 1/2 ये भी हो गया 0.50 एंड नंबर ऑफ वैलिड साइंस इस क्वेश्चन में थे 10 अब ये वैल्यूज को हम अपने इस मेन फॉर्मूले में प्लेस करेंगे सो वी स्टार्ट द कैलकुलेशंस प्रोपोर्शन ऑफ पॉजिटिव साइन पी कैप इसका कैलकुलेशन तो क्लियर है एक पॉजिटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन दे आर 10 नाउ वी स्टार्ट यहां पर पी कैप है 0.10 माइनस पी की वैल्यू है 0.50 देन अंडर रूट में 0.50 into 0.50 upon 10 solve कर रहे हैं आप तो 0.10 minus 0.50 क्या आ जाएगा ये minus का 0.40 under root of 0.25 by 0.10 sorry divided by 10 तो अब आप numerator में तो आ गया 0.40 minus का square root of 0.25 by 10 और solve करते हैं इसको तो 0.40 तो बचा ही था अपॉन 25 को 10 से डिवाइड कर दिया 0.025 अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो सॉल्व कर रहे हैं आप लोग क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर इट मस्ट बी कमिंग एज 2.53 ओके z इज इक्वल टू 2.53 लेकिन ये माइनस का आ रहा होगा हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये वैल्यू माइनस में आए तो आपको लेना होता है मॉड्यूलस मॉड्यूलस का मतलब है आपको हमेशा पॉजिटिव अमाउंट कंसीडर करना है तो 2.53 मॉड्यूलस लिया अब टेबल वैल्यू के बारे में बताया था कि यहां पर लेस देन का सिंबल गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो लेस देन का मतलब ये वाला टेस्ट क्या होगा 110 और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 5% पे वैल्यू है 1.65 दिस विल इंप्लाई दैट द नल हाइपोथेसिस विल बी rejected जब-जब calculated value greater होगी table value से तब-तब null hypothesis आपकी reject हो जाएगी ये था one sample sign test इसको note करिएगा then we are going to start with two sample sign test okay done नेक्स्ट इसी के साथ साथ हम एक और प्रैक्टिकल ले लेते हैं जो कि है टू सैंपल साइन टेस्ट का अब टू सैंपल साइन टेस्ट में आपको याद रखना है कि इसमें फर्स्ट कॉलम जैसे वाला क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट कॉलम को तो डिनोट करना है x से नेक्स्ट को y से और आप क्या करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे फर्स्ट में से सेकंड क्वेश्चन को सबट्रैक्ट किया एक चीज हमेशा याद रखिएगा डेटा बिफोर आफ्टर का है अब बिफोर आफ्टर में वैसे तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो तब तो लगाना पड़ेगा पेयर्ड टी टेस्ट
जो आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखाया गया था प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट लाइन पर ध्यान देना, नीचे लिखा हुआ है यूज साइन टेस्ट, तो जब कभी साइन टेस्ट स्पेसिफाइड होगा तब तो वही अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं हो बिफोर आफ्टर का डेटा दे रखा है तब आपको वहां पर अप्लाई करना होता है बाय डिफॉल्ट पेयर्ड टी टेस्ट। अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में से सेकंड माइनस किया तो 92 माइनस 86 प्लस आ जाएगा 80 माइनस 77, फिर से प्लस 95 बड़ा है प्लस 100 ही ग्रेटर है प्लस 88 इज आल्सो ग्रेटर, अभी तक तो सारे प्लस ही आ रहे हैं, 84 माइनस 80 प्लस 90 इज स्मॉलर, ये हो जाएगा माइनस 69 इज आल्सो स्मॉलर देन 79, माइनस 101 ग्रेटर है लेकिन 98 इज स्मॉलर, माइनस 96 इज आल्सो स्मॉलर, माइनस 85 इज ग्रेटर, तो यहां पे कुल मिलाकर 12 वैल्यूज थी, 12 इनमें से 1 2 3 4 तो आ गए नेगेटिव और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉजिटिव है, तो सबसे पहले फार्मूला याद रखना है आपको p कैप माइनस p अंडर रूट ऑफ p क्यूब बाय n, फार्मूला तो यही जाएगा। अब p कैप कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले p कैप पॉजिटिव साइन है यहां पर 8 राइट, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं, दिस इज गॉन, वन सैंपल वाला नहीं देखना है आपको अभी, p कैप इज 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइंस दे आर 12 राइट, तो यहां कर देते हैं इसको, p कैप इट इज 8 बाय 12, 8 बाय 12 सॉल्व किया 2 बाय 3 दैट इज 0.67, p आपको मालूम है हमेशा रहेगी 1/2, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव साइन जो कि रहेगा हमेशा 0.50, q इट इज 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 अगेन इक्वल टू 0.50, नंबर ऑफ वैलिड साइंस यहां पर कुल मिलाकर वैलिड साइन आए 12 क्योंकि कोई भी जीरो नहीं है, जीरो होता तो जीरो का ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव होता है तो उसको तो ओमिट कर देते आप, लेकिन यहां पर n कितना है हमारे पास 12, पूरे यहां पर साइन है सारे वैलिड साइन और सबको काउंट किया तो वो आ रहा है 12। अब वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, p कैप की वैल्यू थी 0.67 माइनस 0.50 दैट 0.50 इनटू 0.50 डिवाइडेड बाय 12, अब इस अमाउंट को हम सॉल्व कर देंगे तो z की वैल्यू 0.67 माइनस 0.50 ये आ जाएगा 0.17 अपॉन 0.25 डिवाइडेड बाय 12 राइट, इस अमाउंट को सॉल्व कर रहे हैं आप 17.17 अपॉन अंडर रूट 0.25 बाय 0.12 का अंडर रूट सॉल्व कर रहे हैं आप तो ये वैल्यू आ रही है 0.17 डिवाइडेड बाय 0.144, अल्टीमेटली z की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.18, तो z की वैल्यू सॉल्व करके निकल कर आ रही है 1.18। अब आपको ये चेक करना है कि ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड है, तो इसका फैसला होगा इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन से जिसके अंदर ये गिवन था कि टेस्ट using sign test the hypothesis that there is no significant difference, यहां तक भी अभी पता नहीं चला, आगे लिखा हुआ against the alternate hypothesis that the productivity has increased, अब अगर increase word आ गया again ये test है one tail और one tail test पर 5% पर वो value होती है 1.65 याद रखना 5% पर वन टेल वैल्यू है 1.65 तो कैलकुलेटेड वैल्यू थी 1.18 दिस इज लेस देन 1.16 आई मीन 1.65 देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस ओवर हियर विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो 5% लेवल क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो भी हमेशा 5% लेना है, इंक्रीज वर्ड आ गया तो ये टेस्ट होगा वन टेल और वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको 1.65 राइट, तो कैलकुलेटेड वैल्यू 1.18 इज लेस देन 1.65 इसीलिए आपकी नल हाइपोथेसिस यहां पर एक्सेप्ट हो जाती है।